खरीगामा पेट्रोल टंकी के पास तालाब से संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का मिला शव। चांदपुर थाना क्षेत्र के खरीगामा पेट्रोल टंकी के पास तालाब से संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके आसपास में सनसनी का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि चांदपुर थाना क्षेत्र के हटा गांव निवासी कैमुद्दीन अंसारी के 30 वर्षीय पुत्र तबरेज आलम है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि मंगलवार की सुबह 9 बजे घर से हटा बाजार के लिए निकला था, जिसके बाद शाम 4 बजे हटा बाजार में देखा गया। वहीं देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल पाया। जिसके बाद उसके मोबाइल पर भी संपर्क किया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फिर आज बुधवार की सुबह हुई तो तालाब के पास आसपास के गाँव वालों ने जब पहुँच कर देखा तो तालाब में शव तैर रहा है। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकाला और घटना की जानकारी लेकर शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। अब ये जांच का विषय है कि उस व्यक्ति की हत्या कैसे हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उसके बाद का नाम है कल्ले का कपड़ा लत्ता पहन करके अपना चप्पल पहने जो पहना सब निकाल लिया। बड़ा भाई का छोटा भाई का चप्पल जूता पहन करके अब रात भर हम इंतजार करते रहे, उसके अलावा फोन लगा रहे हैं, मोबाइल भी लिया है। अच्छा ठीक है, अब बैठिए, बैठा गाड़ी में चलिए। हाटा के ही रहने वाले तबरेज आलम उर्फ आफ्ताब, उनके पिता का नाम है क्यामुद्दीन अंसारी, ये कल सुबह से ही मतलब घर से कहीं निकले, नाश्ता सा करके अपना निकले, उसके बाद शाम तक उनका पता नहीं चला। तो घर वाले लगे खोजने, भाई कहाँ गया, जब पता नहीं चला तो रात तक खोजे अपना ही लोग, तो कहीं नहीं पता चला। इधर उधर आदमी देखा, हो सकता कहीं गया होगा। तो आज सुबह में एक लाश मिली वहीं पे खरगावा पेट्रोल पम्प के सामने, एक सेंटर सर्विस सेंटर है, गाड़ी धुलाती है उसी के सामने, उसी में मिले। तो लोगों ने बताया, देखा जब वहाँ पर जिनके घर वालों को सूचना दिया गया कि कल से खोजिया हो रहा था लड़का यहाँ है, फिर वहाँ लोग पहुँचे, पहचान किए अपना। उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस सूचना दिया गया, पुलिस पहुँची, फिर वहाँ से लेकर आई पोस्टमार्टम के लिए आए। थोड़ा सा मानसिक संतुलन से भी मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब गुमसुम चुपचाप नाम लड़का रहा था, थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता था, यही मामला। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम यासिर खान हाटा। कैमो न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।